मुस्कुराते रहिए क्योंकि हम लखनऊ में हैं। तो गाइज ये अम्बेडकर पार्क का मेन गेट है, हम रोड के इस पार हैं, हम जा रहे हैं अंदर, लेंगे टिकट फिर आप लोगों से मिलेंगे अंदर। गाइज वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, कैसे आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज ये इंट्रो नहीं दे पाई कर पाऊंगी मैं। गाइज हम लोग आए हैं लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में, तो चलिए फिर टिकट खरीदते हैं, उसके बाद आपसे बात। टिकट पे कोई नहीं, जल्दी चल दे। 20 रुपए 20 रुपए दो टिकट दे दी। पैसे तो निकालो। लो चलो। तो गाइज हमने टिकट यहाँ पे ले लिया है, जो कि है 20 रुपीज पर पर्सन, 40 रुपीज हुआ क्योंकि हम दो लोग हैं। अब यहाँ पे हाथियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, यहाँ पे छोटे छोटे हाथियों के लिए फेमस है, बहुत ज्यादा हाथी बनाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ फिलहाल अभी छोटे छोटे हाथी रखिए, आपको हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े हाथी दिखाएंगे। कितने हाथी है यहाँ पे अभी गिन के बताएंगे। गाइज यहाँ पे वो पेट के साथ पूरा ये पोजीशन देख सकते हैं। गाइज यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है गाइज। गाइज देख सकते हैं पार्क कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा पार्क है। और हम लोग धूप में चले आए हैं, हम लोग लगा ठंडा होगा मौसम, पर ऐसा कुछ नहीं है। गाइज हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं पार्क के, और बहुत बड़ा पार्क है और व्यू तो बहुत प्यारा है गाइज। थोड़ी धूप ज्यादा है इस वक्त। पार्क है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये एरिया जो है वो एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि कितना जैसे लग रहा है कि पूरे मतलब फ्लोर पे पानी। हम लोग उधर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को हाथियाँ दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारी हाथी है। चलिए गाइज। गाइज ऊपर देख रहे हैं हाइट कितनी, वहाँ भी चढ़ना है। हाथी नंबर 37 और काफ़ी मजबूत बनाई गई है ये हाथियाँ, बहुत अच्छा लुक है क्योंकि अम्बेडकर पार्क जो है वो बहुत फेमस है लखनऊ। गाइज आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा, सुनो ना संगे मरमर की ये दीवारे। तो गाइज थक गए, बहुत बहुत ही बड़ा पार्क है ये, तो थक भी गए हैं। तो गाइज थोड़ी धूप ज्यादा है तो देखिए स्वेटिंग भी होने लगी, गर्मी है। एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दी चले आए थे, तो हम लोग करीब 2:30-3 बजे करीब आए, तो धूप हो गई है, गर्मी की फीलिंग हो रही है। मौसम हवाएं चल रही हैं तो फीलिंग अच्छी है। हम लोग इस समय अम्बेडकर पार्क के सेंटर में है, जहाँ राइट साइड भी हाथी, लेफ्ट साइड भी हाथी, हाथी ही आती है गाइस यहाँ पे। और ये भी है छोटा हाथी। हम लोग जस्ट एंटर किए, उसके स्टार्टिंग में ये फेज है, उसके बाद दूसरा फेज बाकी है गाइज। अभी बहुत बड़ा है गाइज, बहुत बड़ा, आप लोग यकीन नहीं कर सकते कितना बड़ा है, इसे नहीं बता सकते, आपको मैप दिखाते हैं। तो गाइज ये देख रहे हैं, ये है अम्बेडकर पार्क का, जहां हम आपको लेके चल रहे हैं। यहां पे बना है पूरे पार्क का मैप,
ब्लूप्रिंट आपको दिखाते हैं इस पार्क का। देखिए गाइज, बीबी हो तो ऐसी, कैमरे में दिख रहा होगा कि नज़दीक है लेकिन काफ़ी दूर है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने पीछे से आ रहे हैं, उस वहाँ से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ये सुहाना बैठी है, थक गई, बोली मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए, तो मैं चल के आपको यहाँ का ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ मैं। और ये कुछ लोग बैठ के फ़ोटो शूट कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हालत ख़राब हो जा रही गाइस, काफ़ी दूर है एक्चुअली, धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एक लुक में आप देख सकते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो ये एरिया, ये हाथियों के बाद वाला एरिया, ये जहाँ पे हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं, ये मेन एंट्री पॉइंट है, वो एग्जिट पॉइंट है। और यहाँ पर ये पूरा खड़े पे ऐसे बनाए गए, देख सकते हैं। और ये मूर्तियाँ हैं, और ये बहन कुमारी मायावती जी। रील्स बन रही है इन लोगों की। टीवी चैनल को जो आप लोग विजिट कर रहे हो तो प्लीज इनकी सदी की चैनल को आप सब्सक्राइब कर। गाइस ये देखिए यहीं पे बैठ गई थक के, असली हाथी तो यही है। देखिए अभी हम लोग जो इधर साइड में दिखा रहा है ना, उधर मैं बैठी हूँ यहाँ बीच में, ठीक है। हाथियों का साइड पता है वो जो ऐसे गोल सा दिखा रहा है, हमारे मतलब तो गाइज इस साइड है गौतम बुद्ध स्थल, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है। गाइज सुहाना इतनी थक गई है, ये बोल रही है अब घर चलिए घर चलिए। एक बार भी नहीं बोला मैंने, लेकिन मैं थक तो गई हूँ। लास्ट में इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, लाइक रात में 7-8 बजे करीब में जब अंधेरा हो जाता है तो सारी लाइट्स ऑन कर दी जाती है, और बहुत अच्छी लाइट लगी है यहाँ पे, तो वो सारी लाइट जब ऑन कर देते हैं तब ये पार्क देखने लायक होता है। गाइज अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा धूप लग रही है। गाइस ये है मूर्ति गौतम बुद्ध जी की, देखिए ये थकी जा रहा है। आई क्यों तुम, क्यों आए यहाँ पे? मैं पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कहा नहीं मेरे शूज काटने को दौड़ रहे, काट रहे हैं मेरे शूज। वहाँ पे कह रही है जाने को, यहाँ चल तो पा नहीं रही, वहाँ नहीं गाइस मैं चल ले रही हूँ, बस थोड़े से शूज दिक्कत कर रहे हैं मेरे, तो मैंने उसको निकाल के हाथ में ले लिया है, और बैग और शूज हाथ में है। अब हम लोग उसकी तरफ दौड़ेंगे। आप देख सकते हैं नीचे कितना साफ है, मतलब जैसे लगता है कि पूरे जो फर्श है जो मार्बल है इस पे पानी गिरा हुआ है। अम्बेडकर पार्क के दूसरे पार्ट में आए हुए हैं, जहाँ पे जिस एरिया में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, यहाँ पे देखते हैं अंदर चल के क्या चीजें हैं। सुहाना सीढ़ियों से जा रही है और मैं इस साइड से जा रहा हूँ। तो गाइज ये एंटर कर चुके हैं यहाँ पे, ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या बोला तूने? क्या बोलेगी तू भाई, क्या बोलेगी? गाइज देख करने से कुछ नहीं होता। अच्छा बातें छोड़ जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, बहुत सुकून है, आवाजें गूंज रही है। आजा। जिनके नाम से ये पार्क फेमस है, जिनके नाम पे ये पार्क का नाम पड़ा है, आइए उनको दिखाते हैं। के लिए 2009 दौड़ो। गाइस हम लोग वो गैलरी में से उतर गए हैं, कहाँ आ गए हम लोग, कैसे निकलेंगे यार। इनको बहुत अच्छी उर्दू आती है, अभी ये सब पढ़ के आपको सुनाएंगे, बताइए क्या दिखाएंगे। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये बनाया गया है, इसको लिखा गया है, इसमें डिटेल लिखी गई है उर्दू लैंग्वेज में। तो गाइस अब हम लोग जाएंगे वहां, इसको क्या बोलते हैं,
वहाँ से ऊपर से जाएंगे टॉप पे, टॉप पर से फिर हम नीचे से आप लोग को पूरा एरिया दिखाते। अभी फाउंटेन चालू होगा, जब रात होगी ना तब फाउंटेन स्टार्ट करेंगे ये लोग। यहाँ पे लाइटिंग होगी फिर फाउंटेन स्टार्ट होगा, तो बहुत ही अच्छा व्यू होता है यहाँ का। तो गाइज अंबेडकर पार्क बहुत ही फेमस है लखनऊ में और बहुत दुनिया भर के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, काफी मूवीज की शूटिंग भी होती है गाइज यहाँ पे। और अभी हम लोग चलने वाले हैं ऊपर, दिखाओ उधर, वहाँ से आप लोग का पूरा वहाँ से आप लोग को पूरा एरियल व्यू दिखाएंगे इस पार्क का। बस अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि हम लोग थक गए थे, काफी दूर दूर तक हम लोगों ने घूमा। और गाइस एक चीज आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आ गए अरे 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 लगी ना जाना गाइस, इनकी शक्ल बदल। आधा हम लोग ने कवर कर लिया है अंबेडकर पार्क, अब हम जा रहे हैं आधा कवर करने, जो कि है वो पीछे जो आप मेरे देख सकते हैं, हम लोग उसके टॉप पे जाएंगे से आप लोग को पूरा अंबेडकर पार्क का व्यू दिखाएंगे। तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। खुला होता तो मजा आ गया होता। तो गाइज हमने आपको बताया था ना कि ये जैसे ही मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होने लगेगा और धूप जाने लगेगी, शाम का माहौल बनने लगेगा, तो ये फाउंटेन जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जहाँ देख सकते हैं अभी फाउंटेन स्टार्ट कर दिए गए और इसके छींटे आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। आप लोग यहाँ आके जरूर एंजॉय करिएगा। चलिए अब आगे दिखाते हैं आप लोग को। सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो भाई चैनल को, प्लीज कर दो यार। दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, टूरिस्ट प्लेस है ये, देखिए फॉरेनर्स आ रहे हैं। छोटी लग रही है इसके सामने, और पिलर की हाइट देखिए गाइस, वाह। और न जाने ऐसे कितने पिलर हैं जो इस पार्क की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं गाइस। और गाइस आप लोग को यहाँ के पेड़ की वो दिखाते हैं कि लोग यहाँ पे जिस तरीके के प्लांट लगाए गए हैं वो कितने मतलब बखूबी तरीके से उनको ऐसे लगाया गया। दीदी कि वो घूम के निकले, तो सामने देख सकते हैं आप दीदी, कोई इसमें कारीगरी नहीं की गई, बस जड़ से ही ऐसे लगा दिया। गाइस यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इन लोगों को कितना मजा आ रहा है। अंबेडकर पार्क सामाजिक मुख्य परिसर क्या बोला तूने, चले जहाँ पे हम आपको लेके चल रहे हैं गाइस। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे फिर आप लोगों को पूरा व्यू दिखाएंगे। और धूप की वजह से और गाइस गर्मी थोड़ी ज्यादा है तो स्वेटिंग हो रही है, और पर मजा आ रहा है। हम लोग इंटर कर चुके हैं मुख्य परिसर के अंदर। गेट तो देखिए जरा, वाह गेट देखिए कितना प्यारा गेट है। आज सुहाना इस गेट को बंद करेगी, कैसे हिलता होगा यार, भारी है ना। डॉगी भी है, हाय डॉगी। कितना प्यारा लग रहा है ये, अंदर से ही चलो। उनके घुटनवा तक हो तुम। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब ऊपर की साइड, इधर इधर चलना है गाइस। यहाँ पे आवाज बहुत इको कर रही है, अभी हम लोग यहाँ से निकल के ऊपर साइड जाएंगे, फिर आप लोगों को वहाँ से पूरे पार्क का व्यू दिखाएंगे। दिखाना शान हो गए हम लोग 2.5 साल से आप लोगों को।
चलिए सुहाना चलो। आंटी ऊपर इधर से जाना है? नहीं उधर से सामने निकलेगा। ऊपर नहीं जाएगा ये? आइए खुफिया सुरंग दिखाते हैं आप लोगों को जो पार्क के अंदर है गाइस। ये रास्ता कहाँ जाता है अभी हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को। ओ ये गाइस ये रास्ता जाता है खुर्रम नगर। आ जा इधर। ये तो लिफ्ट है, लिफ्ट लगी है गाइस। यहाँ पे लिफ्ट भी लगी है जो कि चल नहीं रही है लिफ्ट। आ जा इस साइड नहीं यार। तो गाइस ये रास्ता है जो चढ़ के ऊपर तक जाना, और ऐसे ही रास्ता हमारे ब्लॉगिंग चैनल के लिए गाइस। एक एक सीढ़ी हम लोग रोज चढ़ रहे हैं ऊपर। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। और आपको अब ऊपर चल के दिखाते कितनी मेहनत कर रहे हैं गाइस हम लोग। ये गाइस ऊपर का व्यू। मतलब जो व्हील चेयर पे आए उनके लिए ये एरिया बनाया गया है। पैरों के बैंड बज रही है। सब्सक्राइब कर दो गाइस यार, देखो कितनी थक गई लड़की। सब्सक्राइब कर दो यार। अब नहीं चढ़ पाएंगे हम। मुझे अपने घर जाना है। चलो चलो बस थोड़ा दूर और है। एकदम ऊपर से व्यू दिखाया जाए यहीं से। ये कपल लोगों ने तो कोई जगह नहीं छोड़ी, इतने ऊपर आ गए। किसी पवन लव्स विनीता प्लीज टैग करिए इन लोगों को। ओह कोई जगह नहीं छोड़ा इन लोगों ने, हर जगह अपना छाप छोड़ के गए हैं छपरी लोग। अब मैं आपको यहाँ से पूरे पार्क का व्यू दिखाता हूँ। दिखाना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो फाइनली गाइज हम लोग इसके ऊपर आ चुके हैं टॉम के पास, और काफी थक गए हम लोग। और आपको अब यहाँ से सारा व्यू दिखाते हैं। दिखाना दिखाना देख रहे हैं वहां से पूरा एरिया कवर किया। ये इस एरिया से फिर हम लोग इस साइड गए थे, इसके अंदर ये पूरा एरिया कवर करके हम लोग आए। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पार्क है ये, और कितना बढ़िया इसका व्यू आता है। यहाँ पे सब जगह नाम निकिता प्रिंस अमन रीदा कल्पना अमित। तो प्लीज ये लोग जहाँ भी हैं आके अपना नाम मिटा जाए यहाँ से। और गाइस ये व्यू देखिए गाइस, इस लड़की का हाल देखिए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। कह रही मुझे यहाँ से हेलीकॉप्टर से ले जाया जाए घर तक, तो अभी मैंने फोन किया है। गाइस मुझे रोना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। पब्लिक काफी आ गई ना क्राउड। तो गाइस हम लोग इस पार्क के सबसे टॉप पोजीशन पे आए। असंभव। यहाँ से हमने आपको पूरा व्यू दिखाया पार्क का, जो कि काफी खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। और अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं, क्योंकि हमने पूरा पार्क कवर कर लिया मोस्टली। एक दो चीजें जगह बची है, वो दोनों बची है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। चीटिंग करता है तू। कहाँ चली गई भाई, इसी में खप जा रहे, पता ही नहीं चल रहा है, ढूंढता रहूंगा। चलो 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 उधर देखो, पुशअप मार रहा वो लड़का। तो गाइस एक को चढ़ गया कुछ। आ जाओ थक गया। छोटे छोटे दिख रहे हैं, देखिए गाइस हम लोग कितने ऊपर है ये देखिए गाइस। ये लोग और रिप से गिर गया था मैं।
Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip and the gun down. Dropping bodies in the place till sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just let the bullets fly, I'm the last one to die. Guys, हम लोग जा रहे हैं डाउन साइड। तो गाइस हम लोग नीचे आ गए और सुहाना देखो अब खुश हो गई, बस थक चुकी है, अब घर के लिए जा रही है तो खुश है। ये बैक साइड है टॉम की, यहाँ से बस हम लोग जस्ट तुरंत अभी खबर आई है कि निकलो वहां से जल्दी, मॉल बंद होने वाला है। मॉल बंद? अरे पार्क बंद होने वाला है। तो गाइस फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं। फूल वगैरह काफी प्यारे लग रहे हैं, तो सुहाना है बोली कि यहाँ पे वीडियोस या फोटोज लेते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम लोग इतनी दूर आए हैं तो एक बार फोटो वीडियो तो बनता ही है। सुहाना यहाँ पे थक के बैठ चुकी है और हम लोग बस निकलने वाले घर की तरफ। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ढेर सारा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुस्कुराते रहिए क्योंकि हम लखनऊ में है।